ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापद्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्रीमद् वेदांत भागवत के 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय है और इसमें हमारे भगवान सुखदेव जी कलयुग के धर्म के बारे में बता रहे हैं। समय बलवान है, कलयुग में धीरे धीरे धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग में जो धनी होगा उसी को कुलीन माना जाएगा। सदाचारी व्यक्ति को सद्गुणी व्यक्ति को कुलीन नहीं माना जाएगा, जिसके पास धन होगा वही कुलीन माना जाएगा और वही सदाचारी माना जाएगा और वही सद्गुणी माना जाएगा। आज आप देख ही रहे हो अपने चारों तरफ, जो धनवान है, जिसके पास कोठी है, बंगला है, जगुआर कार है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या खुद की एयरलाइंस हैं, ऐसे व्यक्ति को कुलीन माना जाता है। उनको बिना किसी जमानत के बिना किसी बात के बैंक भी 9000 करोड़ रुपए लोन दे देती है। और एक गरीब अगर 1,50,000 का लोन नहीं चुका पाता तो उसका मकान दुकान बैंक हड़प लेती है। क्यों? कि वो कुलीन नहीं है। कुलीन तो वो है जिसके पास धन है, जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से संसार के लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मूर्ख बना सकता है। बैंकों के डायरेक्टरों से लेके तो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके तो मंत्रियों को भी वो मूर्ख बना के चूना लगा के, ऐसे एक बात नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई लोग भारतवर्ष में आज जितने भी धनी लोग हैं उनका उन पर किसी प्रकार का कोई भी क्या कहूं यार, शब्द बोल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतना कहूंगा उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गरीब अगर एक रोटी भी चुरा ले, अगर गरीब एक रोटी उठा ले बिना पूछे तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। इस देश में जो व्यवस्था है उसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। हर तरह की सीडी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, आपने सब कुछ देखा है, कैसे कैसे लोगों के इस देश में नियुक्तियां होती हैं, कैसे कैसे इस देश में लोग बड़े आदमी बनते हैं और विदेश में बैठे हुए उनके आत्माओं का उन पर कैसा कैसा हाथ रहता है। और इस देश में जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो कैसे कैसे उन लोगों के हाथों में खेलते हैं, आप सब जानते हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। भागवत ने कहा कि धनी ही कुलीन और सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा और शक्ति न्याय को झुका देगी। हां, शक्ति न्याय को झुका रही है, बिल्कुल झुका रही है। आज किसी व्यक्ति पर छोटी सी चोरी का अगर शक होता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और थर्ड डिग्री का ट्रीटमेंट दे के उसको चोरी अगर बेचारे ने करी भी ना हो तो उसको कबूल बा लेती है कि मैंने ही करी भैया, क्योंकि हाथ पांव टूट देती। लेकिन जिन लोगों ने इस देश में हजारों करोड़ रुपए का
हजारों करोड़ रुपए की चोरी की मैं कहूंगा। ये जो कांड वांड के ना, ये तो इसको मतलब मखमल का कपड़ा चढ़ा देना है पाप के ऊपर। लेकिन हजारों करोड़ रुपए की चोरी करने के बाद भी लोग सड़कों पर सीना जोरी करते हुए घूमते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो कहना है कि शक्ति न्याय को झुका देगी, हाँ शक्ति न्याय को झुका रही है। प्रेम विवाह और छल कपटी ही व्यवहार कुशल होगा। जो प्रेम व्यवहार करेगा, छल कपट से भी कर लेगा, राक्षस विवाह कर लेगा, गंधर्व विवाह कर लेगा, अंत्यज विवाह कर लेगा, और कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुन्मा जोड़ा, ऐसा भी कोई कुन्मा हो जाएगा तो उसको बहुत ही सुंदर सुंदर नाम से अलंकृत कर दिया जाएगा। और वही काम यदि कोई गरीब करेगा तो उसको बदमाश, बच्चलन, भ्रष्ट इस तरह से कहा जाएगा। और जो बड़ा आदमी करेगा तो कहेंगे वाह इसने तो बड़ा अच्छा काम किया। इस प्रकार के इस कलयुग में दो प्रकार के मापदंड होंगे, मानदंड होंगे। जो कपट करेगा, छल करेगा, उसको कहेंगे वाह ये तो बड़ा कुशल व्यक्ति है, क्या स्मार्ट है, वाह बड़ा स्मार्ट आदमी है। और जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलेगा उसको कहेंगे ये तो मूर्ख है, आउटडेटेड है, ऑर्थोडॉक्स है। और जो दूध पिएगा उसको कहेंगे ओ तुम दूध पीते हो, मैं तो बियर पीता हूं, बियर पीने वाला, शराब पीने वाला, वाइन पीने वाला, बिस्की पीने वाला, ये सम्मानित होगा और दूध पीने वाले को अपमानित किया जाएगा। दूध जो है घर घर जाके बेचा जाएगा और शराब के लिए लोग लाइन लगाएंगे। शराब के व्यापारी देश की कानून बनाने की संस्था में जाकर, राज्यसभा में जाकर शान से बैठ गए और दूध के व्यापारियों पर छापे डल रहे, क्योंकि शराब का व्यापारी सम्मानित होगा, क्योंकि जिस प्रकार के लोग होंगे उसी प्रकार के लोगों को वो सम्मानित कर सकते हैं। सरकारें शराब का ठेका देंगी किसके लिए, राजस्व कमाने के लिए, और अपने ही नागरिकों को जहर बांटेंगी। ये भागवत के उस छल कपट वाले हिस्से में बोल रहा हूं भाई साहब। मैं नहीं मानता ऐसी सरकार को, लोक कल्याणकारी, जो अपने नागरिकों को शराब बेच रही हो। वो माँ किस काम की माँ जो अपने बच्चे को दूध की जगह शराब पिलाती है? सरकार तो माँ के समान होती है, चाहे वो अंग्रेजी शराब हो या देसी शराब हो, कोई भी शराब हो, या अफीम हो, या गांजा हो, या सिगरेट हो, या तंबाकू हो। जो अपने देश की जनता को सिगरेट, तंबाकू, गांजा इत्यादि पिलाने में सहयोग करती है, और विदेश से आने वाली हेरोइन, स्मैक इत्यादि इंजेक्शनों को नहीं रोक सकती, वो असफल सरकारें मानता हूं, चाहे किसी भी दल की सरकारें हों। वो अपने बच्चों को अपन आदत सुधारते हैं कि अपन उनकी आदत बिगाड़ते हैं? अपने परिवार में कोई लड़का रहता है तो अपन क्या उसको शराब पीना सिखाते हैं क्या? तंबाकू खाना सिखाते हैं क्या? सिगरेट पीना सिखाते हैं क्या? इंजेक्शन लगवाना सिखाते हैं क्या? अपन अपन अपने घर में जो नहीं कर सकते वो काम अपने को समाज में करने में शर्म नहीं आती है? तुम्हारा ऐसा राजस्व, इससे तो एक टाइम रोटी खाना, भूखों मरना ठीक है, पर ऐसा राजस्व कमाना ठीक नहीं है, जिससे देश की जनता पागल हो जाए। आपको पता है शराब पीने से कितनी ज्यादा बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितने सामाजिक अपराध, कितने क्राइम होते हैं? शराब पीकर आदमी कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को रौंद देता है। जितने भी शराब पीने के बाद अपराध होते हैं उनके लिए शराब पीने वाले जिम्मेदार जितने हैं उतने ही जिम्मेदार उस प्रांत और उस देश की सरकारें भी हैं, अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाए। जो किस कोई हत्या करता है,
हत्यारा उतना ही जिम्मेदार है जितना उसके लिए हथियार सप्लाई करता है व्यक्ति हत्या कराने के लिए, या उसको योजना में सहयोग देता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे वही कहना है जो भगवान की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश है। अगर समय रहते न चेते तो तुम जो ढोल बजा रहे हो ना, युवाओं का देश, युवाओं का देश, तुम्हारे युवा तो शराब, स्मैक, इंजेक्शन, अफीम, गर्द इसमें खोखले हो जाएंगे, और इसीलिए तो लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। देश के विरुद्ध नारे लगाने वाले लोग तो वही है ना जिनके जिनके दिमाग में लोगों ने अपना प्रभाव भर दिया, आप लोगों के संस्कारहीनता की वजह से। तो कलयुग में इस तरह का जो वातावरण है, तो रति कौशल स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता का आधार होगा। जो स्त्री और पुरुष रति में कुशल होंगे, रति कौशल होगा उनके पास, वही श्रेष्ठ स्त्री पुरुष माने जाएंगे। अभी तो कलयुग प्रारंभ भी हुआ है, 5500 वर्ष हुए हैं, अभी देखो तो देखो आगे क्या होता है। अभी तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स में छोटी छोटी चड्डी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और उनके कितने कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, और कितने कितने क्या क्या उनकी उनके शेड्यूल होते हैं वो भी देख लो। अभी इसके बाद और न जाने क्या होने वाला है, भागवत में जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता। आगे जाके ये स्थिति बनेगी कि जो रति कौशल पुरुष होंगे, रति कौशल स्त्रियां होंगी, उनको हो सकता है कि ओलंपिक में मेडल भी तुम लोग देना शुरू कर दो। इतनी निर्लज्जता आ जाएगी इस संसार में आगे जाके। और ये बात अकेला भागवत नहीं कह रही है, ये तुम्हारे समस्त धार्मिक सभी धर्मों के ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा आगे होगा। और ब्राह्मण की पहचान उसके गुण और स्वभाव से नहीं होगी। जैसे भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः, गुण कर्म स्वभाव विभागशः, या उन्होंने कहा भगवान ने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में गीता में कि उनके स्वभाव के अनुसार मैंने बंटवारा किया है। लेकिन ब्राह्मणों की पहचान स्वभाव से नहीं होगी, गुण कर्म से नहीं होगी, चाहे कितने भी दुर्गुणी हो, चाहे कितने भी खराब कर्म हो, लेकिन फर्स्ट क्लास टीका लगा हुआ होगा, यज्ञोपवीत होगा। मैं भागवत में जैसा लिखा वैसा पढ़ रहा हूं, यज्ञोपवीत से होगी। सन्यासी की पहचान मात्र कपड़ों से होगी, मात्र वेश से होगी, मालाओं से होगी, तिलक से होगी, आश्रमों से होगी। चाहे उसमें सन्यास का लेश मात्र भी नहीं है तो भी मंत्री लोग उनके चरणों में गिर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टरों में लेके उड़ रहे हैं। और जो वास्तविक ज्ञानी है, उन ज्ञानियों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? कि ज्ञान को, ज्ञान की किसी को जरूरत ही नहीं होगी। बाहर की तरफ सम्मान की जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी, यश की जरूरत होगी, शिष्य ज्यादा होंगे वो व्यक्ति पूछेगा, क्योंकि उसके पास वोट भी ज्यादा होंगे। धन से न्याय बिकेगा, हाँ बिक रहा है धन से न्याय, बिल्कुल धन से न्याय बिक रहा है। सारी सेटिंग होती है, और कैसी सेटिंग होती है, अभी 2-3 वर्ष पहले आपने सीडी वायरल होगी तो देख लिया होगा कैसी सेटिंग होती है। धन से कैसा न्याय बिकेगा, या आप अभी 2-5 महीने पहले बड़े बड़े न्यायाधीशों के स्टेटमेंट सुन लो, अखबारों में आए उन्होंने क्या क्या कहा है न्याय के बारे में, और वकीलों के पास जाके देख लो, उनकी फीस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो वकील ने अपने मुंह से कह दिया बस वही उसकी फीस हो गई। दुनिया भर की बातें तो आप करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि आपकी आपके न्यायपालिका में फीस ही निर्धारित नहीं है एडवोकेट्स की। आपकी न्यायपालिका में जो गरीब है उसको आप न्यायिक सहायता देना चाहते हो, लेकिन वो न्यायिक सहायता कैसी होती है कि आपने तो ऑफिस बना रखे हैं न्यायिक सहायता के हर हर जिले में, हर जिले के न्यायालय में, लेकिन
जो फ्री में आपका केस लड़ेगा वो आपके केस ना तो उतने अच्छी तरह से लड़ता है, बल्कि और पर्दे के पीछे से कुछ लेने की अपेक्षा भी करता है। तो जो भागवत कह रही है वो ठीक कह रही है कि धन से न्याय बिकेगा, और क्या कहती है, वाचाल पंडित होगा, जो वाचाल होगा, जो अच्छी सी बकबक कर सकता है, उसको लोग कहेंगे वाह ये पंडित जी बहुत अच्छे, ये ज्ञानी है, किताबें याद कर लेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन जो आत्मज्ञान को जानता ही नहीं उसको लोग ज्ञानी कहेंगे, जो आत्मज्ञान को जानता है उसको लोग, उसकी तो लोगों को पूछ परख ही नहीं होगी, क्योंकि जान उनको पता ही नहीं कि आत्मज्ञान भी बहुत मूल्यवान चीज होती है। पांच चौथा श्लोक, और गरीब ही असहिष्णुता और दोषी होने की पहचान होगी, जो गरीब होगा वही दोषी होगा, उसी को असहिष्णु माना जाएगा। अधिक दंभी, जो जितना बड़ा दंभी और पाखंडी होगा, दिखावा करने वाला होगा, वो कलयुग में उतना बड़ा साधु होगा, और ये तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हो। लोग अपने प्रदर्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ तलवारबाजी भी कर देते हैं, और अपना दम्भ दिखाने के लिए क्या नहीं कर रहे, अभी तो देख ही रहे हो। क्या कहूं यार, अगर मैं कुछ कह दूं तो तुम लोग मेरे पे चढ़ बैठोगे, इसलिए ज्यादा कुछ बोलता नहीं मैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें देखना है तो बस समाचार पढ़ो, और तुम्हें देखना है तो जाओ जहां साधुओं का जमावड़ा है वहां जाके देखो। अधिक दंभी पाखंडी साधु होगा, और संस्कारहीनता होगी, और गंगा गोमती माता पिता इनकी लोग उपेक्षा करेंगे, और ठिठाई से बात करने वाला बड़ा सच्चा माना जाएगा, झूठ भी जम के बोलेंगे, एकदम ताबस से बोलेंगे, उस सत्य को भी दबा देंगे झूठ के आगे, और ये तो हो ही रहा है। लोग जानते हुए भी कि ये झूठ है, फिर भी झूठ का साथ दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि ये कलयुग ऐसा ही है। धर्म का जो सेवन किया जाएगा वो लोगों को दिखाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। तीनों वर्णों में जो बलवान होगा वो राजा बन जाएगा, और राजा के बारे में बड़े कठोर शब्द बताए हैं कि राजा लुटेरे और क्रूर होंगे। अपन ने अभी से कुछ वर्षों पहले देखा, इस देश के राजा बड़े लुटेरे और क्रूर हुए, मुगल काल से लेकर तो अभी कुछ 5 साल 10 साल पहले तक के। उनकी क्रूरता, उनका लुटेरापन, के किससे, उनके उनके जो है पोल खुल रही है एक के बाद एक। लेकिन जो लुटेरे थे, जिन्होंने इस देश को हर तरह से लूटा था, जिन्होंने इस देश के मां बहनों का साथ सामूहिक बलात्कार किए थे, नगर के नगर जलाए थे, लोगों को जबरदस्ती लोगों का धर्म बदला था, उनको महिमा मंडित कर पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, उनके नाम पर बड़े बड़े नगरों में मोहल्लों के नाम हैं, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में उनके शहरों के नाम उनके नाम पे हैं, और उनके नाम पर दिल्ली में बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जिनको महान बताना चाहिए था वो महान नहीं बना बताए गए। और जो लुटेरे थे, जैसे भागवत में कहा है कि राजा लुटेरे और क्रूर होंगे, उन लुटेरों का महिमा मंडन किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि इस देश में सनातन धर्मावलंबी सोए पड़े हैं, सनातन धर्मावलंबी अपने गौरव को भूल गए हैं, 1000 वर्ष की गुलामी में लोगों का आत्मविश्वास बहुत निम्न तल पर पहुंच गया। प्रजा की पूंजी तथा ऐसे राजा प्रजा की पूंजी और पत्नियों को भी छीन लेंगे। हाँ, प्रजा की पूंजी तो छीन ही रहे हैं और छीन रहे ही हैं,
तरह तरह के टैक्स लगाकर, तरह तरह के जिसको कहते हैं कि स्थानों पर कब्जा करके, और घोटाले करके प्रजा की पूंजी तो छीन ही रहे हैं, और पत्नियों को भी छीन लेंगे। हाँ, पत्नियों को छीना है ना। मुगल काल में हर नगर में जो सामंत रहता था, उसके यहां पर पहली बार डोला जाता था। बहन बेटियों की शादी होती थी तो पहली रात पे डोला उनके घर जाता था। ये बात झूठी नहीं है, इतिहास में पढ़ लो। मेरे इंदौर में ही एक इतिहासकार हुए जो अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें लिखी, अन्वेषण किया। उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि दक्षिण में जो निजाम शाही थी और उत्तर में जो भी उस जमाने के सरदार और इस जमाने के जागीरदार हुआ करते थे, मलेच्छ, उन लोगों के घरों में पहले डोला जाता था। ये तो उस बहन की किस्मत है कि वो वहां से सुरक्षित आ जाए कि ना आए। तो ये पत्नियों को भी छीन लेंगे और कर पर कर लगाएंगे। हाँ, औरंगजेब ने भारत के सनातन धर्मावलंबियों पर कर लगाया, और आज भी हम कर पर कर दे रहे हैं, टैक्स टू टैक्स। आज भी इस देश की कर व्यवस्था ऐसी है कि राजा लोग इनकम टैक्स तो लगा ही रहे हैं, सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, सेल टैक्स लगा रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स लगा रहे हैं, सेज लगा रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई चीज ले जाना, उसमें टैक्स लगा रहे हैं, रोड टैक्स लगा रहे हैं। इतने सारे टैक्स हैं कि मैं आपके सामने गिना नहीं सकता, इतने सारे टैक्स हैं। और ये टैक्स का पैसा इन तथाकथित जिनको अब राजा ही बन जाते हैं, वो जो बन गए वो राजा ही बन गए, राजा का नाम बदल के मंत्री हो गया, और उनके ऐश और आराम देख लो। वो चुनाव के पहले तो बड़ी सादगी की बात करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद फिर जो ना कहते हैं वही काम वो हाँ करते, वही करते हैं, वो नहीं, जिसको नहीं कहा। टैक्स पर टैक्स, कर पर कर लगाएंगे। प्राकृतिक उत्पाद होंगे, हाँ हो रहे प्राकृतिक उत्पाद। कोई वर्ष ऐसा नहीं गुजरता जहां कभी भूकंप ना आता हो, या कहीं सूखा ना पड़ता हो, कि कहीं सुनामी जैसी कोई छोटी मोटी ने बड़ी बड़ी घटना ना होती हो, या केदारनाथ जैसी कोई त्रासदी ना होती हो, या मोरबी जैसी कोई बाढ़ ना आती हो। मानव निर्मित त्रासदी से लेकर तो प्रकृति निर्मित त्रासदी तक प्राकृतिक उत्पाद होंगे, और औसत आयु आगे जाकर 20 से 30 वर्ष होगी। जो आज किसी जमाने में औसत आयु 10,000 वर्ष थी, 10 लाख वर्ष थी, फिर 1,000 वर्ष हुई, फिर 100 वर्ष हुई, फिर 60 वर्ष हुई, और आगे जाके औसत आयु 30 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। शरीर छोटे और क्षीण और रोग ग्रस्त हो जाएंगे। जब मुचकुंद लौट कर आए, और जब भगवान ने
मुचकुंद को बाहर निकाला गुफा से तो उन्होंने देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आदमी पेड़ पौधे सब छोटे हो चुके। किसी जमाने में गेहूं का दाना, एक दाना 1.25 किलो का होता था, 1.25 शेर का। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात प्राचीन पुस्तकों में लिखी हुई है। कंदुम कहते थे उसको, इंदुम या कंदुम, ऐसा कंदुम नाम था। और आज वो गेहूं का दाना, एक दाना शायद 1.5 ग्राम का, 1 ग्राम से भी कम का होगा, शायद 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम का हो। तो शरीर छोटे होंगे, क्षीण होंगे, रोगग्रस्त होंगे। भाई साहब, प्राचीन समय में नहीं, अभी 50 साल पहले ही हमने ऐसे कोई रोग नहीं सुने थे, कैंसर, एड्स नहीं सुने थे हमने, चिकनगुनिया नहीं सुना था हमने, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो हमने सुने नहीं थे। अब रोग जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जाएगा, ये तरह तरह के रोग बढ़ते जाएंगे। और वर्णाश्रम से वर्णों के धर्म से और वेद मार्ग लुप्त हो जाएंगे, पाखंडी लोग धर्म जो चला देंगे वो होगा, राजा लुटेरे होंगे, चोरी करेंगे, झूठे और निरपराध लोगों को की हिंसा करेंगे और कुकर्मों से जीवन चलाएंगे। चल रहा है, खोल के देख लो आंख, चारों तरफ देख लो, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके कोई गुण ही नहीं दिखेंगे उनमें, और वानप्रस्थ सन्यासी भी ग्रस्थी के समान रहेंगे। देख लो, रह रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, जाके देख लो। और धन धान्य के जो पौधे हैं वो छोटे हो जाएंगे। ये जो श्लोक है कि चने के झाड़ पर नहीं, ये जो कहावत है कि चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, ये कोई आज की नहीं है। चने का पहले वास्तव में झाड़ हुआ करता था, जैसे गेहूं 1.25 किलो का होता था, ऐसे चना भी बहुत बड़ा होता था। भगवान श्री कृष्ण 28 हाथ के होते थे, उनकी ऊंचाई ये थी। आज आपके यहाँ 7-7.5 फुट का आदमी, आहा, संसार का लंबा आदमी माना जाता है। घटोत्कच के कंकाल मिले हैं, लोग भौचक के रह गए। तो धन धान्य के पौधे छोटे होंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य का स्वभाव गृहस्थी का भार ढोने वाले गधों के समान हो जाएगा। जैसे गधा अपनी पीठ पर वजन ढोता है, ऐसे ही मनुष्य केवल गृहस्थी का भार ढोएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना परमात्मा का ध्यान करेंगे, ना भजन करेंगे, ना कोई बात सुनेंगे। वो तो जैसे कहते हैं ना, गधी के पीछे गधा फिरे तो क्यों ना दुलत्ती खाए, पूरा मुंह तोड़ देती है गधी दोनों लात मार के। ऐसे गधों का जैसा जीवन हो जाएगा और ये विषय ही हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे 60-70% गधे हैं जो गृहस्थी में लात जूता खा रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ अभी भी नहीं आना चाहती। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, पत्नी अपने पति से कह रही है, तू मर जा, किसी काम का नहीं है, बद कमाऊ है, कमाता नहीं है, तेरे से जिंदगी में कुछ नहीं बनता, मुझे पता नहीं मैंने तेरे से शादी कहां से कर ली। पति कह रहा, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। एक बाबा जी बाहर निकले, बाहर जा रहे थे, मेरे जैसे कोई होंगे शिष्यों की बेचारों के पास कमी होगी, तो उन्होंने कहा, भैया सन्यास ले रहा है क्या? अच्छा, तो वो क्या कहता मालूम है, महाराज जी अपना रास्ता नापो, हमारे घर गृहस्थी के चक्कर में हमारी बात में बीच में मत पड़ो, ये तो हमारे हमारे पति पत्नी का व्यक्तिगत मामला है, आप काहे के लिए बोल रहे हो सन्यास ले लो। बेचारे बाबा चले गए। ऐसे ही गधे घर में लात जूता खाएंगे और फिर भी विषयी होंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह
चामड़ा चट्टू बन के रहेंगे। ऐसी स्थिति में धर्म के रक्षा के लिए जब ये स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी, फिर धर्म की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। और इसके लिए हमने एक गीत भी लिखा है, कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी एक पंक्ति सुनाते हैं कि हाथों में धनुष लेके सरकार आ रहे हैं, हाथों में धनुष लेके सरकार आ रहे हैं, भक्तों का दुख हरने कल के अवतार आ रहे हैं, हाथों में धनुष लेके। तो भगवान फिर कल के अवतार लेंगे, जरूर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और सर्व व्यापार भी, हाँ एक बात हुई, मैं एक जगह कार से जा रहा था इंदौर में, तो एम्बाई सर्कल में मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था, करे ऐसा सा हो गया भगवान अवतार लेंगे, तो एक मोटरसाइकिल वाला पंडित तिलक लगाए मेरे से, धीरे से मेरे पास आए, क्यों गुरु जी वास्तव में भगवान अवतार लेंगे क्या? उसको भरोसा नहीं। अरे जिन्होंने 30 अवतार लिए हैं 29, वो क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने, बामन बने, कश्यप बने, बराह बने, तो क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? लेंगे, लेकिन जब लेंगे, जब तुम्हारी सबकी दुष्टता की पराकाष्ठा हो जाएगी। जैसे भगवान ने परशुराम अवतार कब लिया? जब क्षत्रियों की पराकाष्ठा हो गई दुष्टता की। इस तरह से राम ने अवतार कब लिया? जब रावण से त्राही त्राही मच गई, तो जब बेटा ईंट से ईंट बच जाएगी इस कलयुग में, तब भगवान अवतार लेंगे। तब तक एक अवतार है, उसको तुम संभालो, संघ है शक्ति कलयुग है। अभी तुम अपना वैसा ही संगठन बनाओ जैसा बानर भालुओं ने रावण के खिलाफ बनाया था, ऐसा संगठन बनाओ जैसा पांडवों ने कौरवों के खिलाफ बनाया था, ऐसा संगठन बनाओ। अभी अगर आत्मरक्षा करना है, भगवान के अवतार की प्रतीक्षा तक अपने आप को और अपने बाल बच्चों को बचा के रखना है, तो फिर तुम एक काम करो, वो संगठन बनाओ जिससे तुम्हारे संस्कारों की, धर्म की रक्षा हो सके। और मेरे जैसे ज्ञानी की बात सुनो, कहीं तो ये ढोंगी ढांगी तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, न जाने कहां तुम्हें गिरा के मार देंगे ये, क्योंकि इन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है। तुमने अंधों के हाथ में बागडोर सौंप रखी है, अंधा ड्राइवर को कार दे रखी है, वो तो एक्सीडेंट करवाएगा करवाएगा तुम्हारा, आंखों वालों की तो तुम सुनते नहीं। तो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, सच्चे शिक्षक, सदगुरु, साधु सज्जन प्रतिपालक, धर्म रक्षक और जन्म मृत्यु निवारक, उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और उनका हृदय बड़ा उदार और भक्ति से पूर्ण होगा, उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार लेंगे और देवदत्त नामक जो शीघ्रगामी घोड़ा है उस पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। वो ऐसा घोड़ा नहीं होगा और वो तलवार भी वैसी नहीं होगी जो तुम सोच रहे हो, उस तलवार तुम्हारे परमाणु बमों से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी, वो घोड़ा तुम्हारे F-16 हवाई जहाजों से ज्यादा शक्तिशाली होगा, तुम तो सोच ही नहीं पाओगे। जैसे रात को ज्वालामुखी फट जाए, शहर के लोगों को पता ही नहीं लगता, राख के ढेर में बदल जाते, वहीं मर जाते हैं फड़फड़ा के, ऐसा तो तुम सोच ही नहीं पाओगे। भगवान के अवतार में क्या होगा? भगवान के अवतार में तो दुष्टों का ऐसे नाश होगा कि पलक झपते झपकते ही नष्ट हो जाएंगे और उनके रोम रोम से अतुलित तेज, अतुलनीय तेज की किरणें छटकती रहेंगी, वे
राजा के वंश में छिपे हुए इन डाकुओं का संहार करेंगे। चिंता मत करो, जितने घोटाले हो करने हो कर लो और आगे भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए कीड़े और मकोड़े का जन्म तैयार है। जो इस भारत भूमि में, इस देव भूमि में, इस पवित्र भूमि में अधर्म का आचरण करके चोरी चकारी बदमाशी और घोटाले करेगा, उस व्यक्ति को करोड़ों जन्मों तक अब मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला। इसलिए एक ब्रह्मवेत्ता का वचन है कि सदाचार और ईमानदारी और सच्चाई से जीना शुरू कर दो, अगर भगवान का की कृपा पाना चाहते हो। और तुम इतने घोटाले उठाले करके फिर यज्ञ मज्ञ करवा लेते हो ढोंगियों से, ये तुम्हारे यज्ञ से तुम्हारा कुछ भी प्रायश्चित होने वाला नहीं है, क्योंकि विष्ठा से बदबू नहीं जाती। ऐसे तुम्हारा कमाया हुआ, गलत तरीके से कमाया हुआ धन विष्ठा के समान है, उसको कोई भी देवता स्वीकार नहीं कर सकता। विष्ठा का हवन कर रहे हो तुम, जो काले धन से यज्ञ हवन करते हो या तीर्थों में कुछ भी काम करते हो यश कमाने के लिए, लोगों के सामने भला बनने के लिए। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने लग जाओ, इस राष्ट्र का इस देश का कल्याण करने के लिए जीवन जीने लग जाओ, तो तुमको कोई हवन यज्ञ भी करने की जरूरत नहीं है। उस सच्चाई और ईमानदारी का जीवन अपने आप में एक यज्ञ है, अपने आप में एक हवन है, अपने आप में एक धार्मिक अनुष्ठान है। भैया, भगवान के अंग स्पर्श करके जो वायु चलेगी, वायु सबका हृदय पावन कर देगी, और जब भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय से सतयुग शुरू हो जाएगा। एक आदमी दक्षिण भारत में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए प्रचार करने लगा, कल्कि अवतार हो गया, कल्कि अवतार। अरे मूर्खो, 5,500 साल हुए हैं, अभी तो 4,20,000 वर्ष बाकी है इस कलयुग के, अभी कहां से कल्कि अवतार हो जाएगा। गणना करके देख लो ना, कोई 5,000 में युग बदलते हैं क्या? 5,000 साल में युग बदलते हैं? इसलिए अभी तो आपको और तपना है, अभी तो मई शुरू हुई है, मई जून की गर्मी में आपको तपना है, अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि कलयुग के वाला नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब तो कलयुग में बचना है तो अपना मन जो है नाम, अपना मैं यानी अहंकार, इसका त्याग कर दो और भगवान के ध्यान में, साक्षी के ध्यान में जुट जाओ, और अच्छी तरह से सुमर भगवान से मिलने के लिए अच्छी तरह से प्रयास करो। तो प्रजा की जो संतान परंपरा, जब तो सतयुग शुरू हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त तो हो जाएगी, 23वां श्लोक। और जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, तीनों एक साथ चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि पर आते हैं, प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक ही राशि पे आते हैं, उस समय सतयुग का प्रारंभ होता है। और जिस समय सप्तऋषि गण मघा नक्षत्र पर होते हैं तो उस समय कलयुग का प्रारंभ होता है। और कलयुग की जो आयु है वो देवताओं की आयु की गणना में, गणना से 1200 वर्ष की है, और मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष की है। यह श्रीमद् भागवत की गणना है। देवताओं की गणना से, अभी देवता की गणना से जब 1,000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे, और तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा, 34वां श्लोक।
और जो भीष्म के पिता शांतनु के भाई देवापी, शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशु वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में है और योग बल से युक्त भगवान कल्कि की आज्ञा से यहां आएंगे और वर्णाश्रम का विस्तार करेंगे, स्थापना करेंगे और प्राणियों को सुखी करेंगे। अब इस अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवत कहती है कि प्राणियों को सताना नरक का द्वार है और इस पंच तत्व के शरीर का अभिमान करना ही पतन का द्वार है। इसलिए शरीर का अभिमान छोड़ो और प्राणियों को सताना बंद करो और भगवान की भक्ति में निश्चल निष्कपट रूप से जुट जाओ। ये भागवत का दूसरे अध्याय का संदेश है और यहाँ ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम। Thank you.